आम का सीजन आ चुका है, तो मैंने सोचा आज आम की कोई डिश बनाते हैं। बनाते हैं आम की जो कैरी आती है उसकी चटनी बनाते हैं, झटपट से तैयार होने वाली खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, इसका टेस्ट आप सबको पसंद आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं आम की चटनी। तो ये मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है, सरसों का तेल लिया हुआ है मैंने थोड़ा सा, ये मैंने 1 किलो आम लिए हैं करीबन, उसके लिए मैंने सरसों का तेल ले रखा और तेल बहुत गर्म हो चुका है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं अपना मसाले डालना। इसमें मैं डालता हूँ 1 चम्मच मेथी सीड, 1 ही चम्मच सौंफ और 1 चम्मच कलौंजी। इसको थोड़ा सा ढकन होने देंगे, थोड़े से इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। तो हल्दी इसी स्टेज पे डाल दें ताकि हल्दी थोड़ा सा पक जाए और अपना कलर भी छोड़े। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ आम जो मैंने काट के रखे हुए हैं। सब कुछ इसी में डाल देना है, किसी चीज का वेट नहीं करना। तो मैं डालने वाला हूँ सबसे पहले इसमें सेंधा नमक, आप नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा पसंद है खाने में। सेंधा नमक डाल दिया है और इसमें डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा गुड़, मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है 1 कटोरी, हल्दी में डाल चुका हूँ और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए वो हल्दी की वजह से कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, आपको भी होप दिखाई दे रहा होगा। इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, ये बिना पानी के बनेगा और अपने ही जूसेस में पकेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें मार लेते हैं ढक्कन। ये लगा दिया मैंने इसमें ढक्कन 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट इसको हो गया पकते हुए, देखते हैं आम ने कितना पानी छोड़ा है। ये देखिए आम ने कितना सारा पानी रिलीज कर दिया। अब इसमें बारी आई कुछ और मसाले डालने की, तो डालते हैं देगी में, डालते हैं थोड़ी सी 1 स्पून के बराबर। और ये मैंने खुद का घर में मसाला बना के रखा हुआ है, इसमें जीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच काली मिर्च है, उन दोनों को भून लो और उसके बाद इसको ऐसे पाउडर बना लो। चलिए मिक्स करते हैं। ये देखिए मैं डालने से और अच्छा इसका कलर आ जाएगा, थोड़ा डार्क कलर में आ जाएगा थोड़ा पकने के बाद। इसको फिर से एक बार ढक देते 10 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गए और झटपट से तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होने में। चलिए इसको फिनिश करते हैं, मैं इसको फिनिश करूँगा वाइट तिल के साथ। इसमें 2 चम्मच वाइट तिल डाल दें, देखने में थोड़ी अच्छी होती है और खाने में भी। अब इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और एक कंटेनर जार में रख के इसको 24 घंटे तक मैच्योर होने दें, एकदम से ना खा ले, ऐसे भी खा सकते हैं बट मैच्योर होने के बाद थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा आता है। 24 घंटे के लिए इसे मैच्योर होने दें
और उसके बाद फिर अपने मनपसंद पराठे, सब्जी, चावल जिस मर्जी के साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। मैं तो उसको मैच्योर करने के लिए रखने जा रहा हूँ, आप भी रखिए और देखिए इसको कैसे बनाया गया है। थैंक यू सो मच। तो चलो दोस्तों देखते हैं, मैंने अपना चटनी मैच्योर कर लिया था और ऐसे कंटेनर में डाल दिया था 24 घंटे के लिए, आप इसे रखें और इसका मजा लें अपने मनपसंद पराठे, मनपसंद सब्जी, मनपसंद राइस के साथ, जैसे भी आप लेना चाहते हैं। और बनाइए इसे घर में और मुझे बताइए कैसा लगी मुझे मेरी रेसिपी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू सो मच।